हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये मैं आरडी शर्मा के क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.7 हमारा टॉपिक क्या था, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। देखिए, ये आरडी शर्मा का है, नंबर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 8.7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, मैं इसे करने जा रहा हूँ सॉल्व। सिंपल सा फंडा है, जो सारी चीजें हमने पहले सीखी हैं वैसे ही होंगे ये क्वेश्चंस, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब जिन्होंने मेरे वीडियोस पहले के देखे होंगे, उन स्टूडेंट्स को, उन दोस्तों को पता होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हम कैसे अज्यूम करते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स हम कैसे अज्यूम करते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर होता है तुम कैसे अज्यूम करते हो, पहला एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, एक्स प्लस वन। मेरे जिन दोस्तों ने वीडियोस पहले के नहीं देखे हैं, प्लीज वो पार्ट 1 से देखें, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज आपको सारी चीजें पता है। तो मेरे कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, x और x प्लस वन, हूज स्क्वायर हैव द सम 85, जिनके स्क्वायर का सम 85 है। तो देखिए, मैंने पहले नंबर का भी स्क्वायर कर लिया और ये दूसरे नंबर का भी स्क्वायर कर लिया और इसका सम कितना है, 85 है। और मुझे वो दोनों नंबर्स बताने, ठीक है ना। तो बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 into a into b 2 into x 2x into 1 2x plus b square 1 का square 1 is equals to 85। अब देखिए, मैं से फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज आपने सारी चीजें पहले देखी हैं। ये 1 राइट हैंड साइड में जाएगा या 85 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 85 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन कैसा हो जाएगा, उधर प्लस का था इधर माइनस का। और देखिए, 1 माइनस 85 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, माइनस का 85 माइनस 1 84 हो गया ये आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहां से यहां तक पूरा आपका, ये मैंने ब्रैकेट में रख लिया, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 4 और ये 2 2। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42, 0.20, बट 2.0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए, सिंपल हो गया आपका, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस 42 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 42, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो माइनस 42 मतलब ये जो एक्स का आगे कोफिशिएंट है कितना है, 1 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए 1, बट मल्टीप्लिकेशन पर कितना आना चाहिए, माइनस 42। देखिए बहुत सिंपल है, ये देखिए 42 को दो पार्ट्स में आप, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपने 7 और 6 में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, बिकॉज 7 से 6 कितना होता है 42 और 7 माइनस 6 कितना होता है 1। अब इसके पीछे x लगा दो, इसके पीछे x लगा दो, प्लस का 7x माइनस का 6x, और प्लस 7x माइनस 6x को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 6 42 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, x, x प्लस 7 माइनस 6 सब कॉमन लो यहां से आप, साइन देखिए माइनस 6 कॉमन लिया ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये x का जो कोफिशिएंट था पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव था पॉजिटिव साइन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, और x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस ये 7 आपका बच गया यहां पे, x plus 7 is equals to 0। तो देखिए x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, x की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक बार आप x minus 6 is equals to 0 रखोगे तो आपको x is equals to 6 मिलेगा, और सिमिलरली आप एक बार x plus 7 is equals to 0 रखोगे तो आपको x is equals to minus 7 मिलेगा। तो ये दो मेरे आंसर्स आ गए हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पे मेरे को सिलेक्शन कैसे करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। ये देखिए, केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 1, अगर आप x की वैल्यू कितनी ले रहे हो, 6, अगर आप x की वैल्यू देखिए 6 ले रहे हैं, तो आपने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या माने थे, x और x प्लस 1, है ना, पहला क्या था x था,
तो मतलब पहला नंबर तो x है और दूसरा कितना हो जाएगा x plus 1, x plus 1 का मतलब x की वैल्यू 6 plus 1 7, तो आपका पहला आंसर तो क्या आ गया 6, 7, ठीक है। और आपका केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपका अगर आप x की वैल्यू कितनी लेते हो -7, if x is equals to -7, तो देखिए x plus 1 कितना आ जाएगा, x plus 1 x की वैल्यू -7 plus 1 is equals to -6, ठीक है ना। तो दूसरा ये पहला आंसर है आपका, पहला आंसर है 6, 7 और आपका दूसरा आंसर क्या है -7, -6, -7। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज है ना इसको भी लेना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ये जरूरी नहीं कि दोनों नंबर्स नेचुरल है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं, आप नंबर लाइन पे जाओ ठीक है ना। तो ये जीरो हो गया, ये वन, ये आपका टू हो गया, ये थ्री हो गया, फोर, ये आपका फाइव, सिक्स और ये सेवन हो गया। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और यहाँ पे -7 आएगा ठीक है ना। 85 में इसको रब कर देता हूँ, -5, -6, -7। देखिए दोनों आंसर्स मैं क्यों ले रहा हूँ, एक बार x की वैल्यू 6 आई तो x plus 1 कितना हो जाएगा 7, और एक बार x की वैल्यू जो आपकी -7 आई थी तो x plus 1 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल बाय बिकॉज जो कंडीशन आपकी दी हुई है उन्होंने कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम 85 आएगा, वो दोनों केसेस में आपका एक्सेप्ट आपका फॉलो कर रहा है, दोनों केसेस में सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 85। इसी तरीके से देखिए आप नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड चलो तो 6 का जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या आता है -6 का के बाद जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है -7, तो -6 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है, तो 36 प्लस 49 आपका देखिए वापस 85 आ रहा है ना। तो दोनों आंसर्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट्स एक ही आंसर देते हैं 6, 7, तो दोनों आंसर्स हम यहाँ पे देंगे, आपने देख लिया, मैंने वेरीफाई भी करा के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था एक डिवाइड वाला क्वेश्चन इससे पहले भी, डिवाइड 29 इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट इज 425। तो डिवाइड करने का मतलब 29 को डिवीजन करना नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनका सम कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे सम, एस यू एम, सम इस वर्ड का यूज नहीं किया गया है, मतलब कि 29 दो नंबर्स का सम ऐसा नहीं बोल रहा है, बल्कि आपको थोड़ा सा घुमा रहा है, बोल रहा है डिवाइड 29 इनटू टू पार्ट्स। तो सिंपल है, देखिए सपोज वो दो पार्ट्स क्या है, x प्लस वाई है ना, तो पहला पार्ट अगर आपका x है तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट आपका x हो गया, तो सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा y, और y की वैल्यू मैंने आपको बताई किसके टर्म्स में निकालते हो आप, x के टर्म्स में, तो y is equals to 29 minus x, तो सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया 29 minus x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बना लीजिए और फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप एक चीज और देख रहे हो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में फैक्टराइजेशन मेथड की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, डिवाइड 29 into 2 parts so that the sum of the square of the parts, मतलब जो भी पार्ट है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, पार्ट्स के स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट, मतलब पार्ट्स के पहले मैंने स्क्वायर कर लिया, अब इनका अगर मैं सम कर दूं तो कितना आना चाहिए 425। अब इसको फटाफट आप सॉल्व भी कर सकते हो, मैं आपको करा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 29 का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन ठीक है यही बोला जा रहा है डिवाइड 29 इनटू टू पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज 425। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a इनटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 425 ठीक है। 29 इनटू 29 ये कितना हो जाएगा 9 9 81 8 2 9 18 26
9 जा 18 कैरी 1 2 टू द 4 5 1 14 कैरी 1 8 841 हो गया ये आपका x स्क्वायर प्लस 841 माइनस 2 इनटू 29 टू 9 जा 18 कैरी 1 2 टू द 4 5 58 x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 425. अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना और माइनस 58x बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले x स्क्वायर का टर्म फिर x का टर्म फिर नंबर्स नंबर्स में आपका क्या है 841 तो इधर है और राइट हैंड साइड से आप 425 को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 58x और प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का तो 841 माइनस 425 11 ये 6 3 2 1 4 ठीक है तो 416 हो गया is equals to 0 देखिए ये भी इवन है ये भी इवन है ये भी इवन है 2 2 आप कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो गया 2 टू द 4 कैरी 1 2 9 जा 58 प्लस 2 2 जा 4 0 2 8 जा 16 is equals to 0 ठीक है ना तो ये इक्वेशन हो गई हमारी x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 280 ब्रैकेट में है अब ये देखिए जो आपने 2 कॉमन लिया है तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड पहले आप जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लोगे फिर बोथ साइड उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो गया आपका और 0.2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां पे देखिए मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन हो गई हमारी x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 208 is equals to 0 अब देखिए 208 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए प्लस 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 कितना आ गया 208 तो 208 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन माइनस 29 आए और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 208 तो देखते हैं जरा देखिए 208 इनटू 1 ये 2 से डिवाइड करिए 2 1 जा 2 0 2 4 जा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 जा 10 2 2 जा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा कैरी 1 2 6 जा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया आपका 2 13 जा 26 और 2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 16 देखिए मिल गया आपको नंबर्स क्या हैं 16 और 13 व्हाई बिकॉज़ 16 और 13 को अगर आप ऐड करोगे है ना ये देखिए 16 और 16x और 13x अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 29 लेकिन आपको माइनस का चाहिए तो इसका भी साइन माइनस का लगेगा इसका भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन किसका लगेगा माइनस का 29x और अगर आप माइनस 16x इनटू माइनस 13x करेंगे तो आपको माइनस माइनस प्लस और 16 इनटू 13 208x स्क्वायर मिलेगा ठीक है तो इससे आपकी फैक्टराइजेशन मेथड की भी प्रैक्टिस हो जा रही है तो नंबर्स आर माइनस 16x एंड माइनस 13x तो यहां पे मैं बना ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 13x प्लस 208 इज इक्वल्स टू 0 देखिए यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है x तो ब्रैकेट में x माइनस 16 अब देखिए यहां पे आप क्या कॉमन लोगे यहां से आप चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा पहले आपको x बचाना है इसका मतलब 13 हटना चाहिए यहां से मैं 13 हटाने के लिए 13 कॉमन लूंगा ठीक है तो और कैसे 13 कॉमन लूंगा माइनस का बिकॉज़ मेरे को x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे देखिए कैसा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनाना है माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x और ये साइन चेंज हो जाएगा और यहां ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा 16 आप वेरीफाई भी कर सकते हो बिकॉज़ माइनस माइनस प्लस और 13 into 16 208 होता है ठीक है अब देखिए तो आपके दो वैल्यूज आ जाएंगी x की क्या आ गया x minus 16 और x minus 13 is equals to 0 तो x is equals to 16 और x is equals to 13 ये आपके देखिए दो आंसर्स आ गए हैं x is equals to 13 और x is equals to 16 दो मेरे आंसर्स आए हैं ठीक है अब ये ही दोनों एक्चुअली आंसर्स हैं आपको जो 29 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना था ना वो यही दोनों नंबर है 16 और 13 ही आप देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए 16 प्लस 13 कितना होता है 29 होता है 16 प्लस 13 कितना होता है 29 होता है ठीक है और मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर दोनों को 208 आता है
अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, आप जैसे आपने यहाँ पे अज्यूम किया था ना फर्स्ट नंबर एक्स है ना, तो अगर आप x की वैल्यू 16 लेते हो तो फर्स्ट नंबर 16 हो जाएगा और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 29 माइनस x, मतलब 29 माइनस x की वैल्यू 16, 13। फिर आप अगर केस नंबर 2 लेते हो, अगर आप x की वैल्यू 13 ले लेते हो तो x 29 माइनस x, मतलब सेकंड नंबर 29 माइनस x, मतलब 29 माइनस 13 की वैल्यू 29 माइनस 13 कितना हो जाएगा 16। तो देखिए यहां से भी 16 और 13 बन रहा है और यहां से भी 16 और 13 ही आंसर आ रहा है, बिकॉज सच बात यही है कि 29 को केवल ऐसे दो नंबर्स 13 और 16 है उनमें ही ब्रेक किया जा सकता है कि उनका अगर प्रोडक्ट आप लोगे तो 208 आता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप 29 को और किसी भी दो पार्ट्स में नहीं ब्रेक कर सकते हो जिससे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या बोला जा रहा है, टू स्क्वायर्स हैव द साइड x सेंटीमीटर। देखिए जरा क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, टू स्क्वायर्स हैव द साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर्स हैं मेरे पास, बना लेता हूं मैं फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं कर रहा हूं, ठीक है। पहले स्क्वायर की साइड कितनी है x सेंटीमीटर, ये भी आपका x सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका x सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका x सेंटीमीटर हो गया, और दूसरा स्क्वायर आपका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, x प्लस 4 सेंटीमीटर है इसकी साइड। तो ये x प्लस 4 और x प्लस 4, ठीक है ना। बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम कितना है 656। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर की आपको साइड बतानी है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो आप कर दो। टू क्या बोल रहा है देखिए जरा, कंडीशन क्या है, द सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का हमको क्या लेना है, सम लेना है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पता ही होगा छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ये देखिए साइड इंटू साइड, ठीक है ना। तो आपका पहला जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब एक्स सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपका सेकंड एरिया कितना होगा, सेकंड स्क्वायर का एरिया x प्लस 4 इनटू x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज़ साइड्स क्या है आपकी, इसकी x प्लस 4 है ना साइड, तो साइड इनटू साइड मतलब x प्लस 4 इनटू x प्लस 4। तो देखिए मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहीं पे मैं छोटा सा लिख देता हूं x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आता है, देखिए इज इक्वल्स टू 656। तो आप इज इक्वल्स टू में 656 रख दीजिए, 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर जो लग गया है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना निकाला आपने, x into x, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर x प्लस 4 मतलब साइड into साइड x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x प्लस 4 into x प्लस 4 कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, और आप देखिए यहां से यहां तक आप क्या कॉमन ले सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो सिंपल, x स्क्वायर इसको ब्रैकेट ओपन करो, a स्क्वायर देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 into a मतलब 2 into x into b, b की वैल्यू क्या है 4, तो 2 into a into b 2x into 4 2 4 8 8x हो जाएगा ही, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है इज इक्वल्स टू 656। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x प्लस 16, और राइट हैंड साइड से आप
656 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस में हो जाएगा 656 माइनस 16 ये 05 माइनस 1 4 6 640 तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का 640 इज इक्वल्स टू 0 क्या कॉमन आ रहा है देखिए इवन है और इवन है तो 2 कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 is equals to इसका हाफ हो जाएगा ना 2 कॉमन ले लिया आपने ठीक है तो ये हमारा 2 कॉमन हो गया अब इस 2 को हटाने के लिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 is equals to 0 upon 20 but 2 upon 0 not defined तो 0 upon 2 0 now 320 माइनस का आगे वाले x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है माइनस 320 तो माइनस 320 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपको एडिशन पर कितना मिले 4 एडिशन है सब्ट्रैक्शन पर बट मल्टीप्लिकेशन पर कितना मिलना चाहिए माइनस 320 तो देखिए जरा 320 लिया क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है हां हो रहा है 2 से कर दिया 2 1 2 कैरी 1 2 6 12 0 तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर से इसको 2 से डिवाइड करिए 2 8 जा 0 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 40 टाइम्स ये 8 हो गया 20 टाइम्स ये आपका 16 देखिए मिल गया आपको वो दो नंबर कौन से आपके 20 और 16 ठीक है ना बिकॉज़ ये देखिए आप यहां पे 20 के पीछे x लगा दो 16 के पीछे x लगा दो 20 अगर प्लस का रखोगे 16 अगर माइनस का रखोगे तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 16 4 और प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा प्लस का और देखिए 20x * 16x अगर आप करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 16 * 20 320 आता है माइनस का तो आपका नंबर सिलेक्शन हो गया प्लस 20x - 16x और माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0 यहां से यहां तक x कॉमन आएगा x प्लस 20 देखिए यहां का आपको परेशान नहीं होना है आपको x अकेला बचाना है ना माइनस का 16 आप बाहर ले लोगे x कैसा हो जाएगा पॉजिटिव मतलब ये साइन भी चेंज हो जाएगा और ये साइन भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहां पे कितना बचेगा प्लस 20 बिकॉज़ जो पहले ब्रैकेट में आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकंड ब्रैकेट में भी वही आता है अब देखिए आपका क्या हो गया x माइनस 16 और x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू प्लस 16 और यहां से और x इज इक्वल्स टू माइनस 20 बट x क्या था x स्क्वायर की साइड थी किसी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए x इज इक्वल्स टू माइनस 20 इज नॉट एक्सेप्टेबल लॉजिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज़ किसी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं होती तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40 हो गया इसका मतलब जो छोटा वाला स्क्वायर है जिसकी साइड x आपने अज्यूम करी थी उसकी साइड कितनी है फर्स्ट स्क्वायर की साइड आपकी 20 क्या इन्होंने देखिए सेंटीमीटर बोल रखा है यहां पे ना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में तो आपको यूनिट भी देनी होगी साइड 20 सॉरी 16 लोगे ना 16 ठीक है तो साइड क्या हो गया 16 सेंटीमीटर बिकॉज़ x की वैल्यू 16 एक्सेप्टेबल है ना और दूसरे स्क्वायर का जो आंसर है दूसरे स्क्वायर का जो साइड है वो कितना हो जाएगा x प्लस 4 सेंटीमीटर तो x कितना है आपका 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर तो अब देखिए आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो उन्होंने क्या बोला था पहले का स्क्वायर का एरिया मतलब 16 का स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर का एरिया दूसरे स्क्वायर का एरिया मतलब 20 का स्क्वायर कितना आना चाहिए सम कितना है 356 ये हो गया 256 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और ऐड करने पर 656 ही आ रहा है मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द सम ऑफ 2 ये n o और एपोस्ट्रोफी s जो मैंने लिखा है इसका मतलब नंबर्स हैं द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432 The sum of two numbers, ठीक है? दो numbers का sum कितना है? 48 है। तो पहला number मैंने x assume कर लिया और दूसरा number मैंने
y अज्यूम कर लिया, दोनों का सम कितना है 48 है। मैंने आपको क्या बताया y की वैल्यू आप x के टर्म्स में निकाल लीजिए, तो y is equals to कितना हो जाएगा 48 minus x, मतलब अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए आपका फर्स्ट नंबर जो है वो x है और आपका सेकेंड नंबर कितना है 48 minus x, ठीक है ना। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना आता है 432। फर्स्ट नंबर कितना है आपका x है इंटू सेकेंड नंबर कितना है आपका 48 माइनस x इज इक्वल्स टू 432। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 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 8x इंटू 48, 48x plus minus minus x into x x square is equals to 432। क्या ये equation अपने standard form में है? No, standard form में नहीं है। कैसे लाते हैं? सबसे पहले x square का term sine का ध्यान रखना है, x square minus का है, plus 48x और 432 left hand side में आएगा तो is equals to 0 हो गया। और हमने क्या पढ़ा, x square का जो coefficient है वो negative नहीं रखना है, तो multiply by minus 1 on both side to make the coefficient of x square positive। ये minus अंदर multiply करेगा तो सारे sign change कर देगा, minus minus plus, minus plus minus 48x minus minus plus 432 is equals to 0 into something 0, मतलब 0 into minus 1 0। ये आपका बन गया equation, x square minus 48x प्लस 432। 432 को ऐसे दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है कि अच्छा एक देखिए मेरे से गलती हो गई है, ये 432 मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाया हूं, ये साइन कैसा मेरा नेगेटिव है, अच्छा ठीक है फिर बाद में चेंज हो गया ये, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432, अब मुझे 48 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन 48 आना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन पर उतना ही आना चाहिए जितना पीछे वाले नंबर को आगे वाले x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर मिला है। तो 432 into 1 प्लस 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 432 को ऐसे दो पार्ट्स में अगर हम ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, 432 into 1 ये 2 से डिवाइड होगा, यस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 6 जा 12, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 08 और ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 5 जा 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा कैरी 1, 2 7 जा, ठीक है, और ये 16, ठीक है ना। तो और ये कितना हो जाएगा, अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 और ये 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48। तो ऐसे दो नंबर में हमें नहीं मिल रहे हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा फोर द, अब देखिए यहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, 9 फोर द 9 को ऐसे रहने दो और 48 को 4 इंटू क्या लिख लिया मैंने, 48 को क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 12 बिकॉज 12 फोर द 48, और देखिए 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 और इंटू 12, तो आपको देखिए नंबर मिल गया 36 और 12, वो दो नंबर हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है बिकॉज़ मुझे ध्यान आ रहा था अगर इन दोनों नंबर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ना तो 36 और 12 ऐड होकर कितना आ जाता है 48, तो वो दो नंबर 36 और 12 है। ये x x लगा दिया मैंने, इसका भी साइन नेगेटिव होगा, इसका भी y बिकॉज़ माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 36 प्लस 12 48 माइनस का लाना है ना, इसलिए मैंने दोनों को नेगेटिव में रखा है। अब अगर आप माइनस 36x into minus 12x करोगे तो minus minus plus हो जाएगा और 36 into 12 432 positive का आएगा आपका, और आपको positive का ही लाना है, ठीक है ना। तो equation क्या बनेगी मेरी, x square और minus 48x को मैं क्या लिखूंगा, minus 36x minus 12x और plus 432 is equals to 0। यहां से यहां तक x common आएगा तो x minus 36 और माइनस, यहां से आप 12 कॉमन लोगे तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहां पे क्या है वही आएगा जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया, मतलब 36 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे,
x minus 36 or x minus 12 is equals to 0, तो x is equals to 36 और दूसरा बनेगा x is equals to 12.